हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में मैं जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि नेवी में बार बार रिपीट होते हैं। चलो बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ जीके के ये दूसरे प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि मैं नेवी से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं आपके जीके में वो बताने वाला हूँ। चलो बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन को आखिरकार किस वर्ष में विक्टुल की लड़ाई में उखाड़ फेंका गया। विक्टुल की जो लड़ाई हुई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेपोलियन के द्वारा, तो ये आपके 1815 में की गई थी। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन को लेके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ काउंटिंग जे एन पी जो गणना होती है उसकी विधि इनमें से एक नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी विधि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनकम अप्रोच जो है इसका नहीं है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर तीन पे ले चलता हूँ मैं आपको। विच इज द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन कॉल्ड, सुंदरबन के वनों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप देख सकते हो। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेनग्रोव को कहा जाता है सुंदरबन, आप देख सकते हो। अब बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टिक्का डिजीज़ जो होती है ये एक फसल से संबंधित बीमारी है, ये किस में पाई जाती है, टिक्का डिजीज़ ये किस में होती है। आप सभी ने इसका नाम सुना नहीं है तो ये याद कर लीजिएगा। ये जो टिक्का डिजीज़ होती है ये आपकी मूंगफली में ज़्यादातर होती है टिक्का डिजीज़। वही बात करें क्वेश्चन नंबर पाँचवा, द बसवा सागर डैम किस राज्य में स्थित है, बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में जो ये बांध है ये आपका स्थित है, जो कि आपका एक बहुत ही बड़ा और अच्छा बांध है। अब वहीं बात करें जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का, विच इस जनधन योजना जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी वो क्या है। तो इस जो योजना का काम था ये बैंक अकाउंट फॉर पुअर, जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग थे उनका जो है बैंक अकाउंट खुलवाना, इस योजना का ये महत्व था। आप सातवां देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है आपका ये सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां, किस समिति की सिफारिश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का भी आरक्षण होना चाहिए। बताओ किसने ये पंचायती राज में करी थी, तो ये आपकी करी थी थुंगुन समिति थी, इसने पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षण के लिए था उसके लिए इन्होंने कहा था। तो अब बात करें द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा कि सबसे जो बड़ा डेजर्ट है वो है आपका सहारा डेजर्ट। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, लाल किले में मुगल की उपस्थिति किसके पतन के साथ समाप्त हुई। आपको बताना है कि लाल किले में जो उपस्थिति है वो किस मुगल शासनकाल के पतन के दौरान समाप्त हुई। तो ये आपके बहादुर शाह जफर थे उस समय लाल किले के, और इनका जो पतन हुआ था वो वहीं हुआ था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से लागत समिति से संबंधित है, लागत समिति क्या होती है उससे क्या संबंधित है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये परिवर्तनीय लागत ये आपसे इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, पृथ्वी किस पे पारिस्थितिकी तंत्र पे काम करती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोमी सिद्धांत पे पृथ्वी काम करती है। इसमें 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आपने यूज़ करा होगा ब्लीचिंग पाउडर, कभी ना कभी तो ब्लीच लगवाया ही होगा, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको बताना है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये आपका नियुक्त किए जाते हैं अध्यक्ष द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 15वां, विच कंपोनेंट ऑफ लाइट आर नॉट ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल,
जो प्रकाश में क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा कौन सा कलर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हरा कलर। हरा कलर इसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। भारत में धारावल और लुधियाना शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने ये नाम तो सुना होगा, पंजाब के हैं लुधियाना धारावल शहर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपने ऊनी वस्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रसिद्ध हैं अपने ऊनी वस्त्रों के लिए। विच कंट्री इज़ द करेंसी ऑफ रैंड? रैंड एक मुद्रा है जो कि आपकी कहाँ की है? तो ये जो करेंसी है ये आपकी है नमीबिया। नमीबिया जो है उसकी करेंसी रैंड है। करेंसी से एक क्वेश्चन पक्का आता है जीके जीएस में, तो एक बार इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा करेंसी का। और क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो आप सभी को पता है मोतीलाल नेहरू और जो आपके चित्तरंजन दास हैं, इन सब ने मिलके आपकी एक स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 19 पे ले चलता हूँ। ये बहुत ही फेमस किताब है और बार बार पेपर में क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होता है, तो इसे इंपॉर्टेंट करके एक बार मार्क कर लीजिएगा कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सा राइटर है राज तरंगिणी का? तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक कल्लन, कल्लन के द्वारा ये आपकी राज तरंगिणी लिखी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज सच डज नॉट कॉज राइज इन प्राइस? इसमें से कौन सा जो टैक्स होता है प्राइस में बढ़ोतरी नहीं करता? तो ये ध्यान रखना, हमेशा आयकर टैक्स नहीं करता, मतलब इनकम टैक्स प्राइस में बढ़ोतरी नहीं करता। आप चलो क्वेश्चन नंबर 21वें पे ले चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य के रूप में भर्ती होने वाले न्यूनतम देश कौन सा था? तो सबसे पहले न्यूनतम देश कौन सा था? तो ये आपका था साउथ सूडान। ये आप इम्पोर्टेंट रख के याद कर लीजिएगा, साउथ सूडान है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसके अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इन सभी में से बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? तो ये आप ध्यान रखना, गोदावरी नदी है आपकी, ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वो मैं आपको बता देता हूँ, वल्लभ देव सिंह। आपने बहुत जनों ने नाम भी सुना होगा, वल्लभ देव सिंह ही भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। चलो आप क्वेश्चन नंबर फाइनल 25वां। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस राजधानी नदी के किनारे पे स्थित है? नदी के किनारे से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे भी इम्पोर्टेंट करके देख लीजिएगा कि किस नदी के किनारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो ये पोटामिक, पोटामिक नाम की एक नदी है, इसके किनारे पे ये आपका अमेरिका सिचुएटेड है। अगर ये आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।